साफ्ट पार्ट इज इक्वल टू होता है 1/z वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू प्लस लॉसेज बिटवीन द साफ्ट एंड बियरिंग। इम्पेलर पावर जो कि 1/z वी डब्ल्यू टू यू टू के इक्वल होता है, जो कि पी टू माइनस पी वन बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी के इक्वल होता है। एच का वैल्यू होता है पी टू माइनस पी वन बाई रो जी प्लस के वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी के इक्वल होता है, वेयर के जो होता है पोर्सन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिकवर इन द के जी। एच इज इक्वल टू होता है एच एस मतलब हेड हाइड्रो, ये सक्शन हेड है, लॉसेज इन द सक्शन पाइप, ये डिलीवरी हेड है, लॉसेज इन द डिलीवरी पाइप, और डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी होता है वो वी डी है, तो वी डी स्क्वायर अपॉन टू जी। तो एच का वैल्यू कुछ इस फॉर्मूला से दे सकते हैं, ठीक है। और जो पंप का आउटपुट होता है ये एम डॉट डी एच के फार्मूला से भी दे सकते हैं। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी एच बाई 1/z वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू। मैकेनिकल इफिशियंसी जो होता है 1/z वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू अपॉन साफ्ट पावर। ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है एच अपॉन साफ्ट पावर होता है, जो कि मैकेनिकल इफिशियंसी और मैनोमेट्रिक इफिशियंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मिनिमम स्पीड जो होता है जो कि पंप को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। 120 मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इंटू वी डब्ल्यू टू इंटू डी टू अपॉन पाई डी टू स्क्वायर अपॉन डी वन स्क्वायर। प्रेशर राइज इन द इम्पेलर पावर इज इक्वल टू होता है 1/z वी एफ वन का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर प्लस टू वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू, जो कि इसके भी इक्वल होता है 1/z वी एफ वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर माइनस वी एफ टू का होल स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर फाई। ज़्यादा नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर फाई का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा कंसिडर करेंगे, मतलब फॉरवर्ड कर्व अगर कंसिडर करते हैं, तो उस केस में डिस्चार्ज और भी इंक्रीज करेगा, हाइट भी इंक्रीज करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि आपको जो इम्पेलर पावर रिक्वायर्ड होगा और जो साफ्ट पावर का रिक्वायरमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस केस में आपका मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हम लोग पंप में जो वेन यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड कर्व वेन नहीं यूज़ करते हैं, बैकवर्ड कर्व वेन यूज़ करते हैं, कारण आप लोग समझ सकते हैं। फाई का वैल्यू जब लेस देन 90 डिग्री होगा, मतलब डिस्चार्ज इंक्रीज करेंगे तो हाइट इंक्रीज करेगा, मतलब ज़्यादा हाइट तक उस वाटर को लेने जा सकते हैं, ठीक है। तो एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी डब्ल्यू टू इज लेस देन यू टू, इस केस में क्या होगा, इम्पेलर पावर आपको लेस रिक्वायर्ड होगा, मतलब साफ्ट पावर लेस रिक्वायर्ड होगा, मतलब मैनोमेट्रिक इफिशियंसी आपका हाई होगा। तो ये होता है बेस्ट वेन होता है जो कि प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं। फाई का वैल्यू जनरली हम लोग 20 डिग्री से 40 डिग्री यूज़ करते हैं, फॉर फाई इज लेस देन 20 डिग्री। 20 डिग्री से अगर फाई का वैल्यू कम कर देंगे तो आपका जो लेंथ हो जाएगा वेन का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और उस केस में फ्रिक्शनल लॉसेज भी बढ़ जाएंगे, तो इफिशियंसी आपका घट जाएगा। दैट्स वाई फाई का वैल्यू हम लोग 20 डिग्री से कम यूज़ नहीं कर सकते हैं।